फोर, हमें इंटीग्रल यहाँ पे निकालना है, दिया हुआ है 4x का पावर 4 प्लस का 3 बाई में x² प्लस का 2 इंटू x² प्लस का 3 इंटू x² प्लस का 4 dx। अच्छा एक काम करते हैं, ले लेते लेट x² जो है y के इक्वल है। अब इसके बाद देखिए 4x² का स्क्वायर प्लस 3, इसी को ले रहे हैं, बाई में आपका x² प्लस 2 इंटू x² प्लस 3 इंटू x² प्लस का 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4y² प्लस का 3, बाई में आपका हो जाएगा y प्लस का 2 y प्लस का 3 y प्लस का 4। अब इसके बाद देखिए इसी को पार्शियल फ्रैक्शन पे चेंज करेंगे, लेट 4y² प्लस का 3 बाई में y प्लस 2 इंटू में y प्लस का 3 इंटू में y प्लस का 4 इक्वल टू a/y+2 + b/y+3 और +c/y+4। 4y² + 3 बाई में y+2 इंटू में y+3 इंटू में y+4 इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेते हैं, y+2 इंटू में y+3 इंटू में y+4, इससे ये कट जाएगा, ये दोनों टर्म जाके मल्टीप्लाई, ए इंटू में y+3 इंटू y+4, इससे ये कट जाएगा, ये दोनों जाके मल्टीप्लाई, बी इंटू में y+2 इंटू में y+4 प्लस सी इंटू में, इससे डिवाइड कर ये टर्म कट जाएगा, दोनों जाके मल्टीप्लाई आएगा y+2 इंटू में y+3, ये एक टर्म कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड से ही बन जाएगा, पुट y = -2, -2 पुट करते ये जीरो ये जीरो, -2 पुट करने से यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ 2 पुट करने से आपका -2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2a = -2 पुट करने से यहाँ पे क्या होगा, 4 4 16 16 और 4 16 और 3 17 6 19 सॉरी 16 और 3 19, यानी कि ये आ जाएगा आपका a = 19/2। पुट y = मान लीजिए -3, तो ये वाला टर्म जीरो ये वाला टर्म जीरो, -3 पुट करने से -1 और -3 पुट करने से +1, ठीक है, यहाँ -1 आ जाएगा यहाँ +1 आ जाएगा, तो -b हो जाएगा, और -3 पुट करने से +9 9 36 36, ये 39 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू -39। पुट y = में -4, तो -4 रखेंगे तो ये टर्म जीरो ये टर्म -4 रखेंगे तो यहाँ पे -2 यहाँ -1, तो +2c हो जाएगा, और इक्वल टू में देखिए 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 64 और 64 और 3 67, तो यहाँ सी का वैल्यू 67/2। चलिए अब इसके बाद देखिए ऊपर हमारे पास 4y² + 3 था ना, ऊपर देख लेते हैं, अब y में y+2 इंटू y+3 इंटू y+4 इक्वल टू में a/y+2 + b/y+3 और +c/y+4 है। एक काम कर देते हैं हम, लिखते हैं रिप्लेस y/x², तो 4x का पावर 4 + 3 बाई में यहाँ पर x² + 2 x² + 3 x² + 4 इक्वल टू a/x² + 2 + b/x² + 3 + c/x² + 4। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, अब इसको हम लोग देखिए इंटीग्रेटिंग 4x का पावर 4 + 3 बाई में x² + 2 इंटू में x² + 3 इंटू में x² + 4 dx इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ a/x² + 2 dx इंटीग्रल ऑफ b/x² + 3 dx और प्लस का
इंटीग्रल ऑफ सी बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx। ए बी सी का वैल्यू रख देते, ए का है माइनस का सॉरी 19/2 है, 19/2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 को √2 का स्क्वायर लिख देते हैं। बी का वैल्यू माइनस का क्या है जी, 37 39 है, माइनस का 39, तो माइनस का 39 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स का स्क्वायर है dx। और सी का वैल्यू देख लो, सी का वैल्यू 67/2 है, 67/2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट कर दो यहाँ पर, 19/2 1 × √2 tan inverse x/√2, माइनस का 39, 1 बाई रूट थ्री टेन इनवर्स 1/√3 x/√3 सॉरी, प्लस 67/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई यानी 1/2 tan inverse x/2 और प्लस में सी। तो फाइनली आप इसे लिख सकते हैं 19/√2 tan inverse x/√2 माइनस का 39/√3 tan inverse x/√3 प्लस का 67/4 tan inverse x/2 और प्लस का सी, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65।